हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किससे संबंधित है? जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति बताइए किस चीज की है। आपको एक आकृति दिखाई दे रही है बोर्ड पर, ये आकृति किस चीज की है? सही कहा, ये एक समकोण त्रिभुज है। जो आकृति आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, जैसा कि आपको याद है, वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जो कोण 90 डिग्री का है उसकी सम्मुख भुजा का क्या नाम है? जो कोण 90 डिग्री का है उसके सम्मुख भुजा का नाम कर्ण है। कर्ण को H से प्रदर्शित करते हैं। हम पूरा कर्ण भी कह सकते हैं या अल्फाबेट्स को यूज करें तो हाइपोटेन्यूज H से शुरू होता है, तो कर्ण को H से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है, बाकी के दो कोण कैसे हैं? दो और कोण जो बचे हैं, जैसे कि इस आकृति में कोण A और कोण B, ये दोनों कोण कैसे हैं? सही समझा, ये न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि वो कोण जो 90 डिग्री से कम है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री दिया गया है। कुल जो तीनों कोणों का योग है, एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी से 180 डिग्री है, तो बाकी के जो दो कोण हैं वो न्यून कोण है। न्यून कोण के आधार पर मान लीजिए हमने बी कोण को ले लिया। बी न्यून कोण के लिए इसकी सम्मुख भुजा, इसे क्या कहते हैं? यह है लंब है। लंब को पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सी भुजा है ये? दिए गए न्यून कोण के सम्मुख भुजा, बी के सामने वाली भुजा लंब है। जिस भुजा पर समकोण और न्यून कोण दोनों दिए गए हैं उस भुजा को क्या कहते हैं? उसे आधार कहते हैं। आधार यानी बेस, इसे बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री है, लेकिन इस बार हमने न्यून कोण कोण ए को चुना है। पहले वाली आकृति में बी न्यून कोण था, इस आकृति में ए न्यून कोण है। अभी भी ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर कोण सी अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन हमने न्यून कोण कौन सा लिया है? हमने यहाँ पर ए को न्यून कोण लिया है। ए न्यून कोण के लिए न्यून कोण है कोण ए। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जिस भुजा पर समकोण और न्यून कोण दोनों बने हुए हों उसका क्या नाम था? आधार। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। एक बार फिर से ध्यान देंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होगा, बाकी के दोनों न्यून कोण होंगे।
समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जिस पर दोनों कोण बने हो, न्यून कोण और समकोण, वो है आधार। इसके सम्मुख भुजा, जिस न्यून कोण को हम लेकर चल रहे हैं उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण हमेशा एक ही रहता है, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं जैसे ही न्यून कोण बदलता है। जैसे कि इस आकृति में देख रहे हैं, हम बी न्यून कोण की बात करते हैं तो ए सी लंब है, हम ए न्यून कोण की बात करते हैं तो बी सी लंब है। इसी तरह से यहां पर बी सी आधार है और यहां पर ए सी आधार है, यानी कि न्यून कोण के कारण लंब और आधार बदल जाते हैं। तीन भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात यदि लिया जाए तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं? हम या तो लंब और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं, या फिर आधार और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं, या फिर लंब और आधार का अनुपात ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कर्ण का अनुपात लंब के साथ लिया जाए, या फिर कर्ण का अनुपात आधार के साथ लिया जाए, या फिर आधार का अनुपात लंब के साथ लिया जाए। त्रिभुज की तीन में से कोई दो भुजाएं एक साथ लेने पर, जैसे इस त्रिभुज के अंदर या तो हम कर्ण और आधार का अनुपात लेंगे, या लंब और आधार का अनुपात लेंगे, या लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे। अनुपात को हम जगह बदल के ले सकते हैं, यहां पर न्यूमरेटर में लंब है, यहां वो नीचे हर में चला गया, यहां पर अंश में आधार है, यहां आधार डेनोमिनेटर में चला गया, यानी हर में चला गया। इन छह के अलावा हमारे पास और कोई संभावना नहीं है। तीन भुजाओं से ज्यादा छह अनुपात ले सकते हैं। इन छह अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये जो छह हैं, इन्हें हम टी अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात कह सकते हैं। हर एक अनुपात का एक नाम दिया गया है, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, ऐसे ही आधार और कर्ण का अनुपात कोस कहलाता है, लंब और आधार का अनुपात टेंजेंट कहलाता है। लेकिन ये अनुपात तभी संभव हैं जब किसी कोण के बारे में बात की जाए। हमने अभी अभी किया कि जो भी न्यून कोण है उसी के आधार पे लंब और आधार निर्धारित होते हैं। यदि न्यून कोण का नाम ही नहीं पता होगा तो हम लंब और आधार का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कौन से न्यून कोण की बात हो रही है। अगर हम ए की बात करते हैं तो हम इसको ए लिखेंगे, अगर हम बी कोण की बात करते हैं तो हम इन्हें बी लिखेंगे। इसी तरह से कर्ण और लंब का अनुपात कोसिकेंट कहलाता है, कर्ण और आधार का अनुपात सीकेंट कहलाता है, आधार और लंब का अनुपात कोटेंजेंट कहलाता है। छह जो हमारे पास भुजाओं के अनुपात थे उनको हमने छह नाम दे दिए। लंब और कर्ण का अनुपात है तो साइन, लंब कौन सा है वो निर्धारित होगा न्यून कोण के आधार पे। अगर हम ए के लिए ले रहे हैं, इसमें हम ए को लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने लंब है, यानी बीसी। इस आकृति के अंदर लंब कितना हो गया? बीसी। कर्ण यानी समकोण के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का नाम यहां पर क्या हो गया? ए बी। इसका उल्टा अगर हो कोसेकेंट तो ये क्या बन जाता है? ए बी के बटे में बीसी। इसी तरह से अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं तो आधार का नाम है एसी,
और कर्ण का नाम फिर से क्या है, ए बी। यहाँ सीकेंट में ये बदल गए हैं, अब ए बी ऊपर है और ए सी हर में चला गया है। इसी तरह से टेंजेंट में लंब और आधार का अनुपात हमें लेना है, तो ये है बी सी बाय ए सी और ये हमारे पास है ए सी बाय बी सी। इसी त्रिभुज में जो हमने पहली आकृति बनाई थी उस आकृति में न्यून कोण बी है। अगर हम बी के आधार पर लिखें तो साइन बी, फॉर्मूला तो अभी भी वही है, लंब बटे में कर्ण। लेकिन बी के लिए लंब कौन सा है, बी के लिए लंब है उसके सामने वाली भुजा यानी एसी। बी के लिए कर्ण कौन सा है, ए बी। कर्ण नहीं बदला, लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण नहीं बदलता। इसी तरह से अगर हमें कोस लेना है बी के लिए, बी न्यून कोण के लिए अगर हम कोस लेते हैं तो वो अभी भी क्या है, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब आधार कौन हो गया है, बी सी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं है, कर्ण अभी भी क्या है, ए बी। इसी तरह से अगर हमें टेंजेंट लिखना है तो ये है लंब बटे आधार, लंब है एसी और आधार है बीसी। नाम देखिए, जब ए कोण था तो हमारा अनुपात था बीसी बाय एबी, लेकिन जब बी है तो है एसी बाय एबी। ये जो लंब है ये बदल चुका है। इसी तरह से कोस में भी आधार बटे कर्ण है, जब ए था तो आधार था एसी और जब बी है तो आधार है बीसी। इसी तरह से टेंजेंट के लिए जब लंब हमने लिया है एसी है, आधार हमने लिया है बीसी है, जबकि यहां पर ए बी और बीसी का अनुपात था। तो जो भी हमारे पास लंब और आधार हैं वो किसके हिसाब से चल रहे हैं, वो न्यून कोण निर्धारित करता है। न्यून कोण और समकोण जिस भुजा पर आ जाएंगे वो आधार कहलाएगी, न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा है और वो कभी नहीं बदलती। जब तक त्रिभुज का नाम नहीं बदलेगा तब तक कर्ण भी नहीं बदलेगा। क्या बदल जाएगा, लंब और आधार। कैसे, न्यून कोण की वजह से। जो न्यून कोण है उसके सामने लंब, जो न्यून कोण है उसके सामने लंब। तो ये जो छह अनुपात हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, टी अनुपात कह रहे हैं। इन टी अनुपातों को याद करने का जो शॉर्टकट है, जिसको हम लेकर चल सकते हैं, वो क्या है, हमने एक निमोनिक बना रखा है, यानी याद करने का तरीका ढूंढ रखा है। हम इसको लिखते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। क्या वाक्य है, वाक्य है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इनके पहले पहले अक्षर देखिए, यहां पर पहला अक्षर है ले, जो कि लंब को प्रदर्शित करता है। यहां पर है के, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण कौन सा था, साइन। जो पहले दो अनुपात हैं उसका नाम क्या है, साइन। यहां से पहला है आधार और यहां से कर्ण। आधार बटे में कर्ण ये क्या है, कोस। यहां से लंब बटे में आधार ये क्या है, टेंजेंट। लंब और कर्ण का अनुपात साइन, आधार और कर्ण का अनुपात कोस, लंब और आधार का अनुपात टेंजेंट। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इनको नीचे से ऊपर लिखें, कर्ण को लंब से भाग किया तो क्या बनता है, कोसिकेंट। यानी कि साइन का व्युत्क्रम लेने पर कोसिकेंट और कोसिकेंट का व्युत्क्रम लेने पर साइन मिलता है। इसी प्रकार से कोस का व्युत्क्रम लेने पर सीकेंट और सीकेंट का व्युत्क्रम लेने पर कोस मिलता है। इसी तरह से लंब और आधार का अनुपात टेंजेंट है और उसका व्युत्क्रम
कोटेंजेंट है। ये 6 अनुपात आपको याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। जो भी बोर्ड पर लिखा है वीडियो को पॉज करके उसे नोट करें और 6 के 6 अनुपात याद करें।